ख्याल रखिएगा, बिस्मिल्लाह। और बात करूंगा जनाब स्पीकर साहब, बहुत अच्छा बजट ये जो कह रहे हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान तारीफ कर रहे हैं, इनकी नज़र में बहुत अच्छा बजट है, इसलिए कि एक अक़लियती अरकान को 1 अरब 40 करोड़ का लास्ट ईयर बजट दिया था, इस मरतबा 1 अरब 20-30 करोड़ है, और अपोजिशन के दोनों नुमाइंदों को और हमारी ख़वातीन को मखसूस नशस्तों को पूरे बलूचिस्तान के लिए 5 करोड़ रुपये, ये इंसाफ है, ये बहुत अच्छा बजट है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, अपोजिशन को भी करनी चाहिए और उसको अक्सरियत के नुमाइंदों को भी करनी चाहिए। हमें अक्लियत को मखलूत तरीका इंतखाब की जद में हम लोग हैं, मखसूस नशस्तों के लोग नुमाइंदे, खसूसी तौर पर मैं अक्लियत के नुमाइंदों का जिक्र करना चाहता हूँ, जो कि आज से कोई बजट से कोई 1 माह पहले बाप पार्टी के अक्लियती मेंबरान कुछ अपनी वर्दी पहनकर तैयारी कर रहे थे कि हम लोग हलफ उठाएंगे एक आध। ये तरीका इंतखाब जो बनाया गया हमारे लिए, ये भी बजट का एक वजह है, क्यों उसकी आड़ में हमारे साथ ज़्यादती की जाती है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, और ये हमारे ऊपर सर के ऊपर एक लटकती तलवार है। हर नुमाइंदा जो हमारे सेकंड होता है, जैसे हेनरी साहब से हुआ, जैसे शहबाज़ भट्टी से हुआ, इसकी बुनियादी वजह ये मखलूत तरीका इंतखाब है। बजट में भी जो ज़्यादतियाँ होती हैं, ये मखलूत तरीका इंतखाब है। मजहबी तौर पर भी हमारे साथ इसमें ऐसे काम करने पड़ते हैं, इनका जिक्र मैं नहीं आवान में कर सकता, जो कुरान पाक भी हमें इजाज़त नहीं देता, बाइबल मुकद्दस भी हमें इजाज़त नहीं देती, लेकिन हमें इस मखलूत तरीका इंतखाब की वजह से इसमें हम अपने हलकों में मजबूर हैं वो काम करने को जो कि हम नहीं करना चाहते, मैं नहीं करना चाहता, जो हमारे जो मसीह नुमाइंदे वो नहीं करना चाहते। हमारे नुमाइंदों ने जो लास्ट ईयर गुजरे हैं, उन्होंने क्रिश्चियन नुमाइंदों ने, तमाम नुमाइंदों ने काम किया, जब जुदागाना इलेक्शन होता था कोई हमारे में नफरतें नहीं थी अक्लियतों में, और ये तरीका इंतखाब 2002 में मुशर्रफ दौर में राइज किया गया, सोचते हैं पठान को पठान से लड़ा दूँ, बलोच को बलोच से, सिंधी को सिंधी से, बोला था कि भाई अक्लियतें बड़े सुकून से रहती हैं, कभी किसी क्रिश्चियन ने हिंदू या किसी दूसरी अक्लियत के मतलब कभी कोई बात नहीं की थी, कोई उनसे अगर कोई हिंदू अच्छा काम करता था, कोई तरक्याती काम करता था, उसमें मुदाखलत नहीं करते थे, लेकिन अभी कोई नहीं सोच रहा। मरकज़ में जो हमारे भाई हेनरी बलोच और शहबाज़ भट्टी शहीद हुए, क्यों नहीं हम लोग इस बात पर सोचते कि क्या वजह है? हेनरी बलोच की जो बुनियादी वजह है वो ज़ाहिर नहीं करते कि किस वजह से उसको टारगेट हुआ है, किस वजह से वो शहबाज़ भट्टी टारगेट हुआ है। अभी जो मेरे पर तो तशद्दुद हुआ है, किसी भी अक्सरियत के नुमाइंदों ने या अक्लियत के अपोजिशन के नुमाइंदों ने इसका जिक्र नहीं किया। आज एक जो साफ़ी उसके लिए बात करते हैं, आम आदमी जिसके ऊपर तशद्दुद होता है उसके लिए। इससे कबल मैं आपको जिक्र बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मास्टर जॉनसन अशरफ मरहूम के लिए इस आवान में जब वो मुंतखब हुए, तो वो उनके लिए जब वो असम्बली में हलफ उठाने के लिए आए, तो पूरा एहतराम एक टीचर की हैसियत से उनके लिए एहतरामन खड़ा हुआ, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, नवाब शहीद नवाब साहब, नवाब अखर बुगटी, लेकिन उनको भी तशद्दुद किए, ज़हनी तशद्दुद उन पर किया गया बाद में, 4 माह बाद हुकूमत ख़त्म होने के बाद, 4 माह बाद हमारा घर तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया,
जो कि वो नुमाइंदे थे, इसके मेंबर भी थे और बोर्ड मेंबर भी थे, दो अहदे थे उनके पास, वो हमने इजाज़त ली थी। इस तरह से उसी स्कीमत पर मैं बात करता हूँ हमारे, और उन पर भी क्या बात है कि सिर्फ एक ख़ानदान को निशाना बनाया जाता है या एक नुमाइंदे के वोटर्स को निशाना बनाया जाता है। मुस्लिम लीग के वर्करों, वोटर्स जो नुमाइंदे, वो अपने हर काम कर सकते हैं। जो ये नवाज रहे, जिन्हें नवाजा जाता है, ये भी कहते हैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड नहीं तो आप और क्या हैं? आप सिलेक्टेड हैं, हम ये सिलेक्टेड का लफ्ज हजब किया जाए महसूस कर रहे हैं। ये आप जरा अल्फाज का इंतखाब मेहरबानी करके जरा पार्लियामान के तकद्दस के मुताबिक करें तो बेहतर होगा। हमारे नुमाइंदे वो भी तो हमें सिलेक्टेड, वो हमें सिलेक्टेड गए, रिकॉर्डिंग सुने, वो अपने क्या कर गए, अपोजिशन वाले भी तो सिलेक्टेड है, वो हमें क्या कर गए, अभी क्या कर गए सर? नहीं, मैं रूलिंग देता हूं कि दोनों जानिब से अगर ऐवान के तकद्दस के मुनाफी कोई बात की गई है तो हज़्फ़ किए जाएं दोनों जानिब से। देखिए, हम बर्दाश्त करते हैं, हमने मुकाबला नहीं कर सकते, जो ऐसे लोग हमारे मत मुकाबल होते हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ, बेटों के साथ, तमाम से ये सियासी लोग अपने जाते हैं फैसलों पर। मैं भी एक सियासी वर्कर था, अपनी कौम के एक फैसले पर गया हूँ, जिन्होंने मेरे पर हमला किया, इसकी बुनियादी वजह ये हुकूमत है। मैं इसका सबूत देता हूँ कि उन ख्वातीन के ऊपर, जब मैं उनको उधर गया हूँ, उधर मैं इस हमले से पहले जब सीएम साहब नहीं गए थे, उस वक्त मैं गया हूँ, उससे 4 माह पहले, उनकी निशानदेही की कि 200 या 400 फैमिली वहाँ रह रही, उनके पास गैस बिजली नहीं। मैं पिछले बजट में भी कहा कि उनको गैस बिजली मुहैया करें, हमारे अभी वजीर ख़जाना नहीं, उनको मैंने अभी कोई 10 रोज़ पहले भी वो दिया है। जब वहाँ मैं गया हूँ तो मैंने बात की उन्हीं ख़वातीन के मतलब, सिर्फ एक फ्लैट के ऊपर जो गैस बिजली, जब ये सीएम साहब ने वहाँ विजिट किया, उनकी हौसला अफजाई हुई। मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की हौसला अफजाई के ऊपर वो 4 माह के ऊपर मनसूबा बंदी कर वहाँ मेरे पर हमला किया। उधर आई भी का मुलाजिम था, क्रिश्चियन लड़का वो भी था, उस टाइम वो 8 बजे या उधर क्या कर रहा था, जबकि वो ईसा नगरी में रहता है। इसी तरह धनेश ने मेरे को, जब सरदार साहब ने अपनी एक दावत की, सरदार साले बतानी साहब ने, इसमें देखिए, मैं आपकी बातों का कदर करता है ये असम्बली और तमाम उन मजलूमों के साथ जिनके साथ ज्यादती होती है, लेकिन बजट बहस में अगर इसके लिए, ये आपकी बात बजा है, लेकिन इसके लिए अगर तवज्जो दिलाओ नोटिस के तवसत से अगर वो आप ले आएँ तो फिर बाकायदा तौर पे वो मंजूर भी होगा और फिर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब बाकायदा इस पर आपका जवाब देंगे। अब अगर बजट पर बात करें तो मेहरबानी होगी। देखिए, मेरे नुमाइंदे दिनेश ने मुझे मेरे जब दावत पर वो कह रहे हैं कि जी आप अभी कोई इलेक्शन हो रहा है, मैंने कहा 2013, नहीं जी आप आइंदा किसको ला रहे हैं? उन्होंने मेरे बेटे, बड़े बेटे के ऊपर, टीचर है वो, उसी को उन्होंने निशाना बनाया, उसी को मारने की कोशिश की, उसी के ऊपर खंजर वंजर लेकर चढ़े, ठीक है ना। मुझे पूछ रहे थे कि मैं आप अपने बेटे को ला रहे हैं, मैंने कहा जब आएगा वक्त उस पर हम, इसलिए कि दिनेश, ये दिनेश की और अलाउद्दीन की आकड़ की उधर फैमिली, वो तो कृष्णों की 1995 में क्या मखलूतरी का इंतखाब था। आप भी, आपसे गुजारिश है कि जब मखलूतरी का इंतखाब था उसमें हिंदू सिख वो तरीके, उस वजह से अगर वो स्कीम पास हुई होती तो वही बात बनती थी कि वो वहाँ वह रहें। मुस्लिम अगर वह रह रहे, सिख रह रहे, उनका कोई काम नहीं, वो क्रिश्चनों की उस स्कीम है और उस पर कब्जा क्यों? गवर्नमेंट सो रही है, इंतजामिया सो रही है 2016 से, अदालतें पर, अदालत में वो केस है, वो वहाँ अभी वो काम मंजूर किए। दिनेश वो कैसे काम मंजूर करवा सकता है? लास्ट ईयर भी उसने वहाँ काम किया, जब अदालत में केस है वो कैसे काम वहाँ करा सकता है?
श्यामलाल साहब, मैंने गुजारिश की कि आपकी बातें बिल्कुल सही बजा हैं, लेकिन असेंबली के रूल के मुताबिक ना आप मीजानिया पे बात करें, इसके लिए आप अलग से तवज्जो दिलाओ नोटिस ले आएं, उस पे आपको खुल के मौका मिलेगा बात करने का भी, और हुकूमत जिम्मेदार होगी आपको जवाब देने का भी। तो वो इस फोरम को आप इस तरह इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर है। सर ऐसा कि मैंने लिख कर दी ना अभी स्कीमा, तो वो दिनेश को कैसे, वो मैंने तो तरतीब से लिख कर दी है सर। मैंने सीएम साहब खुद ने, खुद रूलिंग स्पीकर साहब ने दी थी, और फिर उठे थे और अपना हमारे जोर साहब को फाइल पहुंचाई, उसको सेक्रेटरी साहब को इधर खड़े खड़े दी, सेक्रेटरी पीएनडी के पास मैं जाता हूँ और भी फाइल ही उनके पास नहीं। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया जो आपने जिस रोज मेरे पर हमला हुआ था, आप सिरे पे एक सरदार था या एक नुमाइंदा था जिसने मुझे फोन कर कर मेरी खैरियत दरियाफ्त की। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था, इसके लिए मैं सरदार जंग केतरन साहब का शुक्रिया अदा करता।